हम जीटी रोड पर मौजूद हैं, पीर जकोड़ी पुल। एक रास्ता चासदर रोड की तरफ जाता है, एक शहर की तरफ गुलबहार, और एक जो है कोहाड़ रोड, रिंग रोड हैदराबाद की तरफ। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है यहाँ पर। एक तरफ तहरीक लबैक के कारकुन हैं, ये देखें, यहाँ पर भी बंद है, यहाँ पर भी बंद है, और यहाँ पर भी बंद है। दोनों तीन तरफ बंद है, और जीटी रोड पीर जकोड़ी के पुल के नीचे वही जो इनका मुतालबा है, जो बंदे पकड़े गए हैं या तशद्दुद हुआ है उनको, उनके रिहाई के लिए। तो जो लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद से मोटरवे से, तो वो इस पीर जकोड़ी पुल की तरफ ना आए, तो वो जनाब, क्योंकि यहाँ पर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आप जो है डायरेक्ट मोटरवे से उतर कर जो पहाड़ीपुरा वाला रास्ता है वहाँ से रिंग रोड लेते हुए आप दलाजाग रोड से या फिर चस्ता रोड से जा सकते हैं शहर के अंदर। यहाँ पे ट्रैफिक का बड़ा, तो इसमें आप लोगों ने क्योंकि आज रश भी बहुत ज़्यादा है पेशावर के अंदर, कल मोस्ट प्रोबेबली पहला रोज़ा है, तो बहुत ज़्यादा रश है बाज़ारों में, तो आप लोगों ने अगर बाहर आना भी है सर के बाद आइए, अभी बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। क्योंकि ये अभी तक बैठे हुए धरना है, नहीं पता चलता कि कब तक ये बैठे रहेंगे, तो इसलिए आप लोगों ने बहुत भाई जो आज लेट पहुंचे हैं, दफ्तर लेट पहुंचे हैं, दुकान लेट पहुंचा है, क्योंकि शहर के अंदर बहुत ज़्यादा रश है। रिंग रोड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने जाना है, कल भी हमने आपको बताया अपडेट, और आज भी यही सूरत हाल है कि यहाँ से बंद, देखें गाड़ियों को नहीं छोड़ रहे, गाड़ियों को नहीं छोड़ते, ये दोनों तरफ से ये सूरत हाल है। एक तो ऑलरेडी रश है बाजारों में, ऊपर से ये लोग निकले हैं तो रश डबल है, धरना दिया हुआ है, तो आप लोगों ने ये रास्ता इस्तेमाल नहीं करना। चासदर रोड से जा सकते हैं, दलाजाग रोड से आप जा सकते हैं, रिंग रोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ रिंग रोड का इस्तेमाल, आप यहाँ से आते हुए चमकनी से आते हुए वो वाला रास्ता नहीं, वो खुला हुआ है, वहाँ से आप रिंग रोड से होते हुए कारखानों, हैदराबाद सदर और कोहाड़ रोड जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये सूरत हाल है, डंडा बर्दार फोर्स है भाई, डंडे लेकर खड़े हैं, तो असली है यहाँ पर अगर किसी ने इंटर होने की कोशिश की तो डंडे से लोग मारते हैं। ये आपको ताकि आसानी हो, तो आपको अपडेट देने के लिए लाइव आया था ताकि आपको आसानी हो। फिर मिलते हैं किसी और लाइव के साथ, ख्याल रखिएगा।